हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू रिव्यू ऑल राउंड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे लिटिल किड्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइटम, जो कि एक छोटा फोर व्हीलर टॉय जिसे हम जानते हैं रफ राइडर के नाम से, और जो देता है हमारे बेबी को एक बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही कंफर्टेबल राइड। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर मदर्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, दिस इज द बॉक्स जिसके अंदर है हमारा मेन आइटम यानी कि रफ राइडर, और ये है इसकी टॉप सरफेस। सबसे ऊपर प्रोडक्ट की तीन इमेजेस दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और बीच में आपको प्रोडक्ट का नेम दिया गया है। इसके अलावा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको ब्रांड का नेम, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है असेंबली इंस्ट्रक्शंस। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली फोर पार्ट्स में आता है टोटल, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 एंड दिस इज फोर पार्ट। तो ये जो फोर पार्ट्स हैं, कैसे इनको असेंबल किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स में दी गई है। टोटल 7 स्टेप्स में इसमें आपको ये बताया गया कि कैसे आपको इसके पार्ट्स को असेंबल करना है इस वैन को इस फॉर्म में लाने के लिए। साथ ही नीचे आपको इसका नेट वेट, ग्रॉस वेट दिया गया है, जो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम के लगभग इसका वेट दिया गया है। MRP इसमें दी गई है 2599 यानी कि 2599, लेकिन शॉप के अंदर आपको ये लगभग हमें पड़ा था 1600 रुपीज़ के लगभग, तो उसी के आसपास आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं। तो हम यहाँ से इस टेप को कट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स। तो इन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट्स है, इसको हम बोलते हैं फॉर्क विद व्हील्स, इसे हम रखते हैं साइड में। इसके बाद ये है हमारा स्टीयरिंग, और इसे हम बोलते हैं बैक रेस्ट। और फ्रेंड्स, इसके साथ हमें मिलते हैं 3 सेल भी, जिसकी सहायता से हम इस प्रोडक्ट में जो हमें म्यूजिकल इफेक्ट दिया गया है उसको हम ऑन कर सकते हैं। और ये एक पेच और बोल्ट, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे लगेगा। और ये है हमारे इस प्रोडक्ट का मेन पार्ट, जो कि है मेन बॉडी। सो फ्रेंड्स, ये कुल मिला के इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। इसकी बॉडी, ये फॉर्क विद व्हील्स, ये है स्टीयरिंग, और ये है इसकी बैक रेस्ट। तो कैसे इन पार्ट्स को हम असेंबल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इन्हें असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को उल्टा रख देंगे, और देखिए ये हमारा, अगेन से बता देते हैं, फॉर्क विद व्हील्स, इसको फॉर्क बोलते हैं, ये व्हील्स हैं। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे हम। जैसे यहाँ पे आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, ये देखिए। तो इसे हम सीधा कर लेंगे, एक इसको आपको पकड़े रहना है नीचे से। तो देखिए, जो हमने फॉर्क इसमें नीचे से डाला था, ये इस तरह से ऊपर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस स्टीयरिंग व्हील को लेना है। इस स्टीयरिंग व्हील में भी आपको देखिए ये होल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस तरह से रखना है इसको, इसके ऊपर से, कि ये होल और जो ये इसमें होल दिए गए हैं, हमारे इस फॉर्क में जो होल दिए गए हैं और जो स्टीयरिंग व्हील के नीचे का पार्ट है उसके जो होल्स दिए गए हैं, एक सीध में आ जाए। यानी कि आपका ये होल, ये 2 होल्स और ये 2 होल्स, जब ये एक सीध में आ जाएंगे इसके ऊपर फिट करने के बाद, तो हम उसमें पेच इंसर्ट करके बोल्ट कस देंगे, जिससे कि हमारा स्टीयरिंग व्हील इस फॉर्क से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से यहाँ रखेंगे, ये हिले ना, इसके लिए हम इसे यहाँ रख देते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर रखा, और हम देखते हैं जब हमारे 4 होल्स एक सीध में आ जाएंगे तो हमें बिल्कुल आर पार दिखाई दे जाएगा। और हम यहाँ से अपना पेज इंसर्ट करेंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि ये सही जगह पर आ रहा है या नहीं। हमारा पेज सही जगह पर आ गया है, हम इसे थोड़ा प्रेस करेंगे। ये हमारे पास एक बोल्ट है, इस बोल्ट को हमें इस पेज में कस देना है। साथ में हम इस पेज को भी यहाँ से कस देते हैं, जिससे हमारा जो बोल्ट है वो और इसमें अंदर तक चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये स्टीयरिंग इसमें सेट कर दिया है। तो फॉर्क इसमें सेट हो गया है, स्टीयरिंग इसमें सेट हो गया है। इसके बाद हमारे पास है ये, इसको हम बोलते हैं बैक रेस्ट। तो इस बैक रेस्ट को हम क्या करते हैं, इन दोनों होल्स में इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसमें आवाज़ आ चुकी है, इसका मतलब आपकी ये बैक रेस्ट पूरी तरह से इसमें सेट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, बात आती है इन सेल्स की, ये 3 सेल्स हमें दिए गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से प्रोडक्ट को हम अपने उल्टा रखेंगे। यहाँ आपको एक पेच दिया गया है, इस पेच को आप इस पेच कस से ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा कहीं कहीं ये कुछ निशान से दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को हमने 2 दिन यूज़ किया था, ताकि हम इसकी क्वालिटी के बारे में जान सकें और आपको अच्छे से इसके रिव्यूज़ दे सकें। 3 सेल्स को फ्रेंड्स हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करने के बाद हम इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, जो भी इसमें दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस कवर को इसके ऊपर रख देना है, और इसका जो पेच हमने निकाला था इसे वापस इसमें लगा देना है, और हम इसके लिए
इस पेचकस से इस पेज को पूरी तरह से कस देते हैं ताकि हमारे जो सेल्स हैं गाड़ी सीधा होने पर नीचे ना गिरे, बाहर ना आ जाए। अब फ्रेंड्स ये लगभग तैयार हो चुका है। हम म्यूज़िक इफेक्ट की बात कर रहे थे तो वन बाय वन हम इस इफेक्ट को आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें आपको ये साउंड सुनाई देता है। तो फ्रेंड जब सेकंड बटन प्रेस करेंगे तो इसमें ये आपको थोड़ा अलग म्यूज़िक सुनाई देगा। और अब हम थर्ड बटन प्रेस करते हैं तो थर्ड बटन में आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रहा। तो फिर इन तीनों ही बटन्स की जो फंक्शन है वो लगभग सेम ही है। इन्हें एक बार प्रेस करते हैं तो एक टाइप का म्यूज़िक आपको सुनाई देगा और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो दूसरी टाइप का म्यूज़िक सुनाई देगा। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फीचर्स की। तो सबसे पहले तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, यानी कि भारत में ही बना हुआ ये प्रोडक्ट है। और इसकी जो टोटल लेंथ है प्रोडक्ट की वो है 61.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी टोटल वेथ है वो 29 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल हाइट है वो दी गई है 29.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका जो टोटल वेट है वो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम के लगभग है, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था। और 3 म्यूज़िक बटन्स इसमें हमें दिए गए हैं। इसके अलावा हमें इसमें स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि टर्न भी करता है। इसको हम थोड़ा सा अगर लेफ्ट को टिल्ट करते हैं तो ये हमारा जो वैन है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, और अगर इसी स्टीयरिंग व्हील को हम थोड़ा राइट साइड में टर्न करते हैं तो ये वैन हमारा राइट साइड में मूव करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें हमें बड़े व्हील्स दिए गए हैं, जैसे कि आपने पहले देखा था तो ये काफ़ी बड़े व्हील्स दिए गए हैं जिससे कि इस वैन का बैलेंस भी बना रहता है। साथ ही ये व्हील्स काफ़ी ड्यूरेबल भी हैं, और इस बड़े व्हील होने की वजह से इस प्रोडक्ट की हाइट भी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो आपका बेबी अगर अभी छोटा भी है तो 1-2 साल बाद जब वो थोड़ा ग्रो भी करेगा तब भी ये वैन उसके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड इसमें आपको एक छोटी सी डिक्की दी गई है, ये इसमें बच्चे अपना कोई भी जो भी चीज़ उनको पसंद है उसमें वो कई बार रख देते हैं। तो छोटा सा डिक्की है इसमें जिसको हम अंडर सीट कवर भी बोलते हैं, और साथ ही इसमें हमें एक रियर स्टोरेज भी मिल जाता है। रियर यानी कि जो आपको बैक साइड में जो स्टोरेज मिलता है तो यहाँ भी बच्चे कुछ भी अपनी फेवरेबल चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। सो फ्रेंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस पांडा रफ राइडर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।